तरीके से आप अपने VS कोड में एक React JS का सेटअप बनाओगे। यहाँ पर हम करेंगे क्या, डाउनलोड करेंगे नोड JS को और इसे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर VS कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे एंड यहाँ पर हम एक React का फर्स्ट ऐप क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम इसके एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर जो भी एरर आएंगी, और बेसिकली कुछ एरर आती हैं इंस्टॉल करते हुए, तो पहले तो आती है एक क्रिएट करते हुए और एक आती है स्टार्ट करते हुए, किसी किसी को आती है। तो मैं पहले इन एरर को लेकर आऊँगा ताकि आपको उसका सोल्यूशन दे सकूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा कंप्लीट सेटअप बनाऊंगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और आप तो एंड आपको अपना ब्राउजर ओपन करना और यहाँ पर आपको टाइप करना है नॉट जे एस डाउनलोड, इंटर कर देना। यहाँ पर आपको इसे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक होगा करंट, एक होगा लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट कौन सा, रिकमेंड फॉर मोस्ट यूजर, तो आपको ये करना। हम विंडो के लिए कर रहे हैं तो आपको विंडो पे क्लिक कर देना। अगर आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ चूज कर सकते हो, लेकिन हम विंडो के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको रिकमेंड फॉर मोस्ट यूजर्स का वर्जन देख सकते हो 18.8.18। तो डाउनलोड हो चुका है, इसे जैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए डाउनलोड वाले फोल्डर में आता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करना, इसका पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेना, नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसकी डायरेक्टिव को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम यही रहने देंगे। तो जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। ये चॉकलेटी वर्जन है और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसे नहीं करना। इसका मतलब होता है कि आपको इसमें C++, पाइथन, विजुअल स्टूडियो, बिल्ड टूल, बहुत कुछ आपको डाउनलोड करके वो शो करके देता है। इसे मत करना, बहुत ज़्यादा आपकी MB और टाइम भी लेगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना एंड ठीक है, आपको चॉकलेट वाले पर नहीं करना। ठीक है, इसे आपको सिलेक्ट नहीं करना। अगर आपको C++, पाइथन, विजुअल स्टूडियो, टूल्स बहुत कुछ करना है तो आप कर सकते हो, बाकी इसे मत करना। ठीक है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना, इंस्टॉल कर लेना इसे एंड इंस्टॉल हो चुका, फिनिश पे क्लिक कर देना। एंड्रॉइड की इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट इसे चेक करना। जैसे आपको टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पर चेक कर लेना नोड -- वर्जन, इंटर करोगे तो यहाँ पर ठीक है इसका वर्जन देख सकते हो, इसका मतलब सक्सेसफुली हमारे इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद जो नोड हमारा नोड जेएस होता है उसके साथ npm बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है, तो आपको वो भी चेक कर लेता है npm -- वर्जन। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका भी वर्जन भी यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड इसके बाद आपको करना है mpx, ये भी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है नोड जेएस के साथ, वर्जन तो यहाँ पर देख सकते हो ये mpx भी है। एंड इसके बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड करना है, तो जस्ट आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना VS कोड। ठीक है, तो आपको इस लिंक को ओपन कर लेना, ये डाउनलोड पे क्लिक कर देना। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। तो इसे आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, ये विंडो के लिए है और ये लिनक्स के लिए है, ये मैक के लिए है। तो हमारा विंडो है तो हम विंडो के लिए करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। ऐसे ही क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैंने कर लिया, मैं जैसे पॉज कर देता हूँ। ठीक है, 92 MB का, 90 MB का इसे इंस्टॉल करते हैं। इसकी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेना और इसे आपको पढ़ लेना एंड इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना एंड आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो आपको इस पिक चेक कर देना, इसको भी चेक कर देना, इसको भी चेक कर देना, नेक्स्ट पे क्लिक करना, इंस्टॉल कर लेना इसे। हो जाने के बाद इसका आपको फिनिश पे क्लिक करना। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे आपको इसे एक फोल्डर क्रिएट कर लेना। ठीक है, इसका एक आइकन भी आ गया होगा, मैं पहले यहाँ से इसे काट देता हूँ यहाँ से, और इसका एक आइकन आ गया होगा डेस्कटॉप पे इस तरीके से। अगर आपका बाई चांस डेस्कटॉप पर आइकन नहीं आया तो विजुअल स्टूडियो टाइप करोगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, इसे यहाँ से ओपन कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एंड मैं इसका नाम रख देता हूँ रिएक्ट प्रोग्राम। ठीक है, और इस फोल्डर को ओपन करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। फाइल्स में जाके एंड ओपन फोल्डर, तो मेरा डेस्कटॉप पर था ये डेस्कटॉप और जस्ट रिएक्ट प्रोग्रामिंग, रिएक्ट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन हो चुका है, इसके अंदर ना कोई फाइल है ना कुछ है अभी। तो इसके करना है कि आपको जस्ट यहाँ पर आपको आना है, 3 डॉट दिख रहे होंगे अपने VS कोड में आपके, और इस पर आपको क्लिक करना है, टर्मिनल पर आना है, न्यू टर्मिनल पर आपको आना है, यहाँ पर आना, ये आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा इस तरीके से। एंड यहाँ पर करना है कि आपको जस्ट यहाँ पर आना, क्योंकि हम यहाँ पर जाके ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये कमांड चलानी है। ये कमांड आपको मिलेगी कहाँ से, ठीक है, पहले तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मिलेगी कहाँ से। तो आपको करना है क्रिएट फर्स्ट रिएक्ट ऐप, इंटर करोगे तो यहाँ से रिएक्ट वाली ऑप्शन साइट है, ये यहाँ से क्रिएट रिएक्ट ऐप,
इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आ जाओगे, जस्ट यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसे आपको कॉपी कर लेना, यहाँ पर क्लिक करके ये कॉपी हो गई। यहाँ के आपको इसे पेस्ट कर देना, कंट्रोल भी करके एंटर करोगे तो यहाँ पर पेस्ट कर चुका हूँ मैं इसे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एरर आ गई, बाई चांस नहीं भी आ गई। ठीक है, मैंने इस एरर को खुद लाया हूँ ताकि आपको कि जिस किसी को भी एरर आ रही है तो वो उन्हें प्रॉब्लम्स ना आए। अगर आपको एरर नहीं आ रही है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो। तो ये एरर आती क्यों है, इसका मतलब है कि हमारे जो रोमिंग नाम का एक ऐप डेटा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक रोमिंग नाम का फोल्डर होता है। उसके अंदर क्या होता है कि MPM नाम का एक फोल्डर क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो उसे हमें क्रिएट करना पड़ता है, बाई चांस नहीं हो पाता। तो आप अगर ये एरर आई तो उसे मैनुअली हमें क्रिएट करना पड़ेगा। करोगे क्या, इस पाथ को कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ पर इसे ना कॉपी कर लो, कंट्रोल सी करके, एंड इसके लिए जस्ट आपको यहाँ पर आना। ठीक है, आपको अपनी सी ड्राइव के अंदर आना। मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, एंड सी ड्राइव का यहाँ पर आना PC में। ठीक है, आने के बाद इसे यहाँ से रिमूव कर देना, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना, MPM रिमूव कर देना, यहाँ तक आपको रिमूव कर देना। एंटर करोगे, रोमिंग नाम के फोल्डर के अंदर आप आ जाओगे। ठीक है, ऐप डेटा जो होता है ये बाय डिफॉल्ट हिडन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाओगे, यहाँ पर क्या करना है आपको, एक फोल्डर क्रिएट करना है MPM नाम का। तो राइट क्लिक करोगे और न्यू एंड फोल्डर, तो इस पर आपको नाम रख लेना MPM, एंटर कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है MPM नाम। आप करोगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, जस्ट कंट्रोल वी करके मैं दोबारा से करता हूँ, नहीं इसको तो हटाते हैं, जस्ट इसको करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंटर करोगे तो ये अब आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट न्यू ऐप क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। इंटरनेट से आपका PC कनेक्ट होना चाहिए, तो तकरीबन 200 to 250 to 300 MB ले सकता है। तो माई अपने का देख सकते हैं, यहाँ पर फोल्डर भी आ चुका है और ये क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो गाइस सक्सेसफुली हमारा माई ऐप क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ये पब्लिक, इसकी सारी डायरेक्टरीज हैं यहाँ पर, और ये SRC यहाँ पर app.js, app.cs, index.js, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसे रन किस तरीके से करोगे, ठीक है, तो इसके लिए करना है क्या आपको, यहाँ पर करना है CD और माई ऐप, एंड इंटर करोगे एंड यहाँ कर दोगे MPM स्टार्ट। तो गाइस इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप इस तरीके से करोगे, लाइक यहाँ पर मैं इसे काट देता हूँ, ठीक है, आप इसमें एरर क्या आती है वो चीज़ आप देखना। लाइक मैंने इसे स्टार्ट किया, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड को स्टार्ट करते हुए एरर क्या आती है। तो यहाँ पर माई ऐप है मेरा, ठीक, क्लियर कर देता हूँ पहले। एंड अगर आप यहाँ पर कर दोगे MPM स्टार्ट, तो आपको स्टार्ट यहाँ पर आपको एरर मिलेगी, इस तरीके से एरर होगी। यहाँ पर क्या होगा कि इसे पैकेज और जेसन की फाइल नहीं मिलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप यहाँ पर आओगे CD और माई ऐप, ठीक है, माई ऐप करना आपको। अब आप माई ऐप के अंदर आ जाओगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो माई ऐप, इसके बाद आपको स्टार्ट करना, तो आपको ये एरर नहीं आएगी। ठीक है, MPM स्टार्ट करके कर दोगे तो आपको ये एरर नहीं आएगी। इंटर कर दोगे तो आपको ये एरर नहीं आएगी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स और आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग गाइस।